नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने बिहार यात्रा में हैं और इसके तहत वो 16 दिन के लिए आपको बताया पटना से बाहर रहेंगे। और ये जो यात्रा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 14वीं यात्रा है जिसका नाम समाधान यात्रा दिया गया है। आपको बताया बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से रवाना हुए और सबसे पहले वो वाल्मीकि नगर पहुंचे। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पश्चिमी चंपारण, जहां से उनकी यात्रा का शुरुआत होने वाला है, पश्चिमी चंपारण की बेतिया में मौजूद है और 2 दिन के लिए वो बेतिया में ही रहें, पश्चिमी चंपारण में ही रहेंगे। आपको बताया कि जिला मुख्यालय का जो गेस्ट हाउस है वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुकने वाले हैं, वहाँ अपनी रात गुजारने वाले हैं। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से बाहर करीब 9 रात गुजारने वाले हैं। बिहार के 38 जिलों में से 18 जिले होंगे जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये समाधान यात्रा पहुंचेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे जहां वो उन्होंने गंडक नदी में हो रहे कटाव का जायजा लिया और भी जितने सारे विकास के कार्य थे उस पे उन्होंने वार्तालाप की और अफसरों से मिले। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि ग्रामीण के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायरेक्ट 1-to-1 बातें की। और इतना ही नहीं, सबसे अब जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं वो देखिए, ये जिला मुख्यालय का है, बेतिया के जिला मुख्यालय का है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक मीटिंग कर रहे हैं, जीविका दीदियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तमाम जो नेता हैं, जो अफसर हैं, वो मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए निकले हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ रुकने वाले हैं, उनकी क्या सारी जो है उनके व्यवस्था, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं, क्या पुख्ता इंतजाम की गई है, आपको हम बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के पहले दिन बगहा के बाद बेतिया पहुंचे। गुरुवार को दोपहर 1:45 पे सीएम का काफिला बेतिया जिला मुख्यालय में अवस्थित अतिथि भवन में पहुंचा। मुख्यमंत्री को एक सूबेदार, 3 हवलदार और 21 सिपाहियों की टीम के साथ परिचारी प्रवर पुलिस निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सर्किट हाउस परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा कारणों से सिकटा के विधायक को सर्किट हाउस में एंट्री नहीं मिलती है। वहीं राजद के विधान पार्षद सौरभ कुमार को भी वाहन से अंदर नहीं आने दिया जाता है। इतना ही नहीं, बाहर में खड़े जदयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी अंदर नहीं जाने की अनुमति है। तो देखिए किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो मीटिंग है ये चल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी अपने बिहार यात्रा के दूसरे दिन अतिथि गृह में रुकने वाले हैं, बेतिया के अतिथि गृह में रुकने वाले हैं। और जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में, यानी बेतिया का जो कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल है वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जीविका दीदियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में सारे लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का जो समाधान यात्रा है वो इनका 14वीं यात्रा है जिसे लेकर सारी पुख्ता जो है तैयारियां कर दी गई हैं। युद्ध स्तर पर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जाएगा वहां उसे उनके काफिला के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।